shame and guilt, fear, that is what stops us from expressing ourselves. यही रोकता है हमें अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने. कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ. जो मैं हूँ इस मोमेंट पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझे लगता है मैं नहीं हूँ वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ. और ये मैं भी करता था when I started as an actor. अभी भी कई जगहों पर ये होता है, पर मेजरली I tried myself to be free of these obligations. तो होता क्यों है ये? Why can't we express? Because इसमें मेरे को ये लगता है कि बचपन में we used to express everything. Look at kids around you, उनको जगह दे दो वो शोर मचाते हैं, भागते हैं, सब कुछ करते हैं. They're so wonderful. They can make all the sounds. जब तक उनके parents नहीं कहते ये गलत है. So somebody told them not to do this. Family member, teacher, coaches, friends, sibling, इसी ने बोला कि ये नहीं करना है. Like for example, एक बच्चा जब कुछ देखता है तो उसको कुछ होता है, या वो कुछ सुनता है तो उसको कुछ होता है, जब वो फील करता है तो उसको कुछ होता है, या वो स्मेल करता है तो उसको कुछ होता है, या टेस्ट करता है तो उसको कुछ होता है. वो इमीडिएटली एक्सप्रेस कर देता है जो भी उसको होता है. नाउ व्हेन ही इज एक्सप्रेसिंग, समबडी देयर स्टैंडिंग जो उसको शेम, गिल्ट या फियर में डाल रहा है, ये नहीं करना. दिस इज नॉट अलाउड इन आवर फैमिली. These are not our values, these are not our morals. ये हमारे religion में allowed नहीं है, ये हमारे घर की परंपरा नहीं है. तो हम इसमें बच्चे को बांध देते हैं, उसको guilt में डाल के, shame में डाल के, या fear में डाल के. हमारी majorly education ऐसा ही हुई. Like then what he starts doing is कि अब मेरी मम्मी ने ये बोल दिया, मेरे पापा ने ये बोल दिया, या मेरे किसी बड़े ने ये बोल दिया है, तो मुझे उसको मानना है क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वही क्लोज है मेरे को. तो अब मैं कुछ देख रहा हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है, तो मैं फीलिंग हो रही है तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि somebody is sitting there out and saying, no, you can't do this. तो अब मैं अपने को क्लोज करने लगा. मुझे कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ मुझे कुछ हो रहा है, मैं स्मेल कर रहा हूँ मुझे कुछ हो रहा है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ मुझे कुछ हो रहा है, और मैं कुछ हो रहा है तो मैं एक्सप्रेशन आ रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे शेम के लिए फियर में डाला जाएगा बाय वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड. सो नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन. सो ये काम करना शुरू किया मैंने. दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो देख रहे हैं और कह रहे हैं मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है. मेजरली मेन बॉयज टू दिस, कि उनको वो देखते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ तेरे को दिखाई दे रहा है, तो एग्जैक्ट टेक्सचर, कलर, सब कुछ बोलेंगे क्या हो रहा है, पर फील नहीं हो रहा है. मुझे तो कोई फीलिंग नहीं हो रही है, बिकॉज आई एम अ मैन. मेरे को ट्रेन किया गया कि तू लड़का है या तेरे को नहीं होना चाहिए सब चीजें, एंड देन ही इज नॉट फीलिंग एनीथिंग. एंड तो तीसरे तरीके के लोग होते हैं, वो कह रहे हैं मैं तो देखूंगा ही नहीं तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं तो मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा, और मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा तो मुझे गिल्ट, शेम और या उसमें नहीं जाना पड़ेगा. सो ही स्टॉप्ड हिज एक्सप्रेशन एंड ही स्टॉप्ड लुकिंग. सो यू हैव टू, आई फील एवरी इंडिविजुअल एक्टर या ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल हैज टू चेक कि इन तीनों में से वो कहां पर है, क्या वो देखता है या नहीं देखता है, कि देखता है और कुछ होने नहीं देता है या होने देता है, या कुछ देखता है होने देता है पर एक्सप्रेस नहीं करता है, तो आप किस में से हैं? एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज आवर फैमिली. हम ये कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स की गलती है. अगर उनसे पूछोगे जाके तो वो कहेंगे भाई हमारे पेरेंट्स ने भी यही सिखाया था. फिर उनके पेरेंट्स से पूछोगे तो वो बोलेंगे हमारे पेरेंट्स ने. फिर उधर से फिर हम चलते जाएंगे और पहुंच जाएंगे कि जब हम उनकी थे, ये थे, फिर हमको मिलेगा. सो दैट्स नॉट द इंक्वायरी. कि कहा इंक्वायरी है कि ये हो रहा है मेरे साथ जिस भी कारण से हुआ, अब मैं अवेयर रहूं, क्या मैं सच्ची में देखता हूं, क्या मैं उसको फील होने देता हूं, क्या मैं एक्सप्रेस करता हूं, और मैं अल्लाह करूं टू लेट दैट एक्सप्रेस. आई अलाउ इट टू एक्सप्रेस फुली. एंड इट्स ब्यूटीफुल इफ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, स्पेशली फॉर एक्टर्स. या हमें तो उसी बात के नाम शोहरत मिलता है ना, क्योंकि हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को. हमें तो लगता है हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज. It's a very important part because that's what makes us human. Yeah.